हेमोदी नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में छात्रों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलित छात्रों ने जहां डिग्री कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं उनकी मांगों को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा करने की मांग भी की गई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, प्रशासन मुर्दाबाद, खून बहेगा सड़कों पे। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में बीए बीएससी में प्रवेश सीटें बढ़ाकर 40% अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने, बीएड योगा को सामान्य विषय घोषित करने, छात्रों के लिए एनसीसी विंग खोलने और एसटी एससी छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द देने की मांगें प्रमुख हैं। वहीं आंदोलित छात्रों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो उनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। विगत वर्षों की बात है, इस वर्ष भी हमारे महाविद्यालय में कई प्रवेश हुए हैं, जिसमें महाविद्यालय द्वारा सीटें निर्धारित करने से गरीब तबके के बच्चों का जो एडमिशन है वो हमारे महाविद्यालय में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आज हमने अपनी चार सूत्री मांगें शासन प्रशासन के सामने रखी हैं, जिनमें से मुख्य है 40-45% पर सभी का एडमिशन हो, दूसरा हमारे महाविद्यालय में एनसीसी विंग जो है सुचारू की जाए, तथा बीएड एवं योगा को सामान्य विषय के रूप में घोषित किया जाए, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एसटी एससी ओबीसी की स्कॉलरशिप को उनके अकाउंट तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। यदि शासन प्रशासन इसमें कहीं ढील बरतता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। संवाद 365 के लिए खटीमा से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।